नील, नायरा और उसके मम्मी पापा बीच पार्टी के लिए एक आइलैंड पर जा रहे हैं। आइलैंड पर पहुंचने के लिए वो लोग फेरी बोट से जा रहे हैं। मम्मी, मैं बीच पार्टी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने बीच के सारे खिलौने साथ ले लिए हैं, क्योंकि मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ रेत का महल बनाने वाली हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। पापा, वो बोट हमारे बोट से ज्यादा तेज चल रही है, हमें भी तेज चलना चाहिए। नील, ये कोई बोट रेस नहीं है, हमें धीरे जाना चाहिए और राइड का मजा लेना चाहिए। ठीक है, मैं बस चारों तरफ नजारा देखूंगा और राइड एंजॉय करूंगा। नील सुंदर पहाड़ और समुद्र को देखता है, तभी अचानक उसे दूर पानी में खूब सारी मछलियाँ उछलती हुई नजर आती हैं। उसने ध्यान से देखा तो ये डॉल्फिन्स थीं। सब लोग देखो, देखो डॉल्फिन्स। मम्मी, मुझे डॉल्फिन्स के साथ खेलना है, ये बहुत ही प्लेफुल और फ्रेंडली होती है। सच में? तुम्हें किसने बताया कि डॉल्फिन्स प्लेफुल और फ्रेंडली होती हैं? रिया ने बताया था। पिछली गर्मी में वो एक डॉल्फिन शो देखने गई थी और वहाँ उसने बहुत सारी डॉल्फिन से खेला था। उसने मुझे डॉल्फिन्स के साथ खेलते और तैरते हुए एक वीडियो भी दिखाया था। ओह, ये बात सही है, रिया ने सही कहा। डॉल्फिन्स के बारे में और भी बहुत सी मजेदार चीजें हैं। सच में? मैं जानना चाहती हूँ मम्मी, प्लीज बताइए ना। ठीक है। डॉल्फिन्स की स्मूथ और रबरी स्किन होती है और इनका रंग सफेद और ग्रे होता है। उनके दोनों साइड्स पर एक एक फ्लिपर होते हैं और उनकी पीठ पर एक ट्रायंगुलर फिन होता है। उनके पास कोन के आकार के दांत हैं। डॉल्फिन्स के सिर पर छेद होता है जिसे हम ब्लो होल के नाम से जानते हैं। एक छेद उनके सर पर? हाँ, डॉल्फिन्स को सांस लेने की जरूरत होती है क्योंकि उनके पास हमारी तरह लंग्स होते हैं, तो वो पानी की सतह पर सांस लेने के लिए आती हैं। देखो, डॉल्फिन्स हमारे बोट के पास आ रही हैं। डॉल्फिन्स का एक झुंड उनके बोट के पास तैरता है। वे नील और नायरा की तरफ उछल कूद कर रही थी। नील और नायरा बहुत खुश होते हैं। उन लोगों ने डॉल्फिन को छुआ और बहुत खुश हुए। वाओ, मैंने डॉल्फिन को छुआ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। ये उनकी आवाज कितनी प्यारी है। हाँ, ये बहुत प्यारी आवाजें करती हैं। डॉल्फिन्स इसी तरह क्लिकिंग की आवाज निकालती हैं और विस्लिंग की आवाज निकाल के कम्युनिकेट करती हैं। मम्मी, जैसा आपने कहा था, सच में इनका स्किन बहुत स्मूथ है। मैंने इनके सर पर ब्लो होल्स और उनके कोन शेप दांत भी देखे। ये तो बहुत अच्छी बात है नायरा, इन्हें बॉटल नोज डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। ये डॉल्फिन्स की बहुत ही कॉमन स्पीशीज है और ये समुद्र, नदी और महासागर में पाई जाती हैं। बच्चों, तुम लोगों को पता है कि डॉल्फिन के दो पेट होते हैं? क्या? सच में? हाँ, उनके पास दो पेट होते हैं। और इनके बारे में जो सबसे मजेदार बात वो ये है कि ये पानी नहीं पीती हैं। लेकिन पापा, वो तो पानी में रहती हैं, तो कैसे मुमकिन है वो पानी ना पीती हो? उन्हें उन मछलियों से पानी मिलता है जिन्हें वो खाती हैं। ओह, डॉल्फिन्स कौन सी मछलियाँ खाती हैं? डॉल्फिन्स बहुत सी मछलियों को खाती हैं और स्क्विड, श्रिम्स, जेलीफिश और ऑक्टोपस भी खाती हैं। ओह, अच्छा। हम जल्दी आइलैंड पर पहुंचने वाले हैं। इतनी जल्दी? मैं तो थोड़ी और देर डॉल्फिन्स को देखना और उनके साथ खेलना चाहती थी। मैं अपने दोस्तों को बताने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ कि आइलैंड जाने के रास्ते में हमने बॉटल नोज डॉल्फिन्स को देखा। हम जेटी बोट राइड के लिए वापस आने वाले हैं डॉल्फिन से मिलने और उन्हें अपनी पसंदीदा मछलियाँ खिलाने के लिए, ठीक है? यस, थैंक यू मम्मी।